गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अंकित जायसवाल, योर इंग्लिश टीचर. स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन. आई एम ऑल्सो फाइन. स्टूडेंट्स, इन माई लास्ट वीडियो आई हैड एक्सप्लेन दिस चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक. दिस वॉज आवर सेकेंड चैप्टर, सॉरी फर्स्ट चैप्टर इन यूनिट टू. एंड आई हैड एक्सप्लेन यू बोथ द पार्ट्स, पार्ट वन एंड पार्ट टू, एंड यू हैड रिस्पॉन्डेड वेल. I had given you some questions to solve and you guys had done well. Now we'll start our second chapter in the same unit, which is a poem, and the name of the poem is the wind. You can see this is our second chapter in unit 2. So today we will start this chapter and read the poem. This is a very meaningful poem. I think this gives a very beautiful message as well. So before we start, I would like to tell you that if you have any problem in chapter 1, if you have any difficulties, if you are facing any difficulties, then please let me know. I'll do that for you. Tomorrow or till evening, I'll send you word meaning and question answer and other exercises which you will have to do in your copy. Okay, so let's start our next chapter, which is a poem, wind. So you all know what is the meaning of wind, do you know? And yes, of course, the meaning of wind is hawa, vayu. You all know. Okay, so बच्चों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो हमारा यूनिट वन है, सॉरी यूनिट टू का जो चैप्टर है पहला, द साउंड ऑफ म्यूजिक, उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था दोनों पार्ट, और क्वेश्चन आंसर भी आपको मैंने बोला था कैसे सॉल्व करना है, और आप कुछ बच्चों ने सॉल्व करके दिया था. ठीक है, कुछ एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम हुई होगी. कल मैं आपको एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग सब कुछ आपको सेंड कर दूंगा, और आप लोग कॉपी में राइट कर लीजिएगा. चलिए आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स को एक्सप्लेन, मैं आपको समझाता हूँ, और आप थोड़ा सा ट्राई करिएगा. बहुत ही अच्छी पोएम है, बहुत ही मीनिंगफुल, और कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा आपको मैसेज देती है. ठीक है, हर पैराग्राफ के साथ आपको मैसेज मिलता जाएगा इस पोएम के थ्रू. तो आप लोग ट्राई करिएगा समझने की क्या है. ठीक है बच्चों, देखिए कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे. ठीक है, आप लोग उनको नोट करते चलिएगा, बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे. देखिए, विंड, विंड मीन्स क्या होता है बच्चों, यू ऑल नो, विंड मीन्स हवा होता है, वायु, पवन. सो द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट. डिस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है बच्चों, डिस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है, डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है डिस्ट्रॉय का ये फॉर्म है. ठीक है, एडजेक्टिव फॉर्म है, इसका मतलब होता है बर्बादी. क्या होता है, बर्बादी. ठीक है, बर्बादी आप सब जानते हैं. ठीक है, नष्ट हो जाना कोई चीज़. ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन, बर्बादी मतलब क्या है, जब विंड आती है तो क्या करती है, पूरी तरह से बहुत ही खतरनाक रूप ले लेती है और बर्बादी करती है ना, सब कुछ बर्बाद कर देता है, बर्बादी का कारण बन जाती है. सो हम कैसे उसके साथ दोस्ती कर सकते हैं, उसके साथ दोस्त कैसे बन सकते हैं, हमको इस पोएम में मालूम चलेगा. ठीक है, देखिए चलिए पढ़ते हैं. विंड कम सॉफ्टली, यहाँ पे पोएट कह रहा है कि विंड प्लीज़ कम सॉफ्टली. ठीक है, डोंट कम दिस वे. ठीक है, डोंट कम फर्मली, बट प्लीज़ कम सॉफ्टली. कहता पोएम, सॉरी विंड जो, हवा जो है, आप थोड़ा सा आराम से आइए. ठीक है, इतना आपको जल्दी में आने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको इतना भयंकर रूप लेके आने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से चलिए. ठीक है, इतना डिस्ट्रक्टिव फॉर्म लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से आइए, सॉफ्ट आइए, मुलायम आइए, धीरे धीरे आइए. ठीक है, हम सबको अच्छा लगेगा. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो. फिर पोएट नेक्स्ट लाइन में कहता है, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो. शटर्स मीन्स क्या होता है, जो विंडो पे हमारे गेट लगे हुए होते हैं ना. ठीक है, तो कह रहा है कि भाई जो खिड़कियां हैं, ठीक है, खिड़कियां हैं, उनके शटर को मत तोड़ दो. ठीक है, उनकी जो उस पर जो लगे हुए हैं डोर, उनको मत तोड़ो, हमारी खिड़की के दरवाजों को मत तोड़ो, कृपया प्यार से आओ. ठीक है, प्यार से बहो, बहो. ठीक है, मतलब हवा धीरे धीरे बहो. ठीक है, इतनी तेज़ी से मत बहो. ठीक है, इतनी तेज़ी से अगर आप बहेंगे तो हमारे जो खिड़कियों के दरवाजे हैं वो टूट जाएंगे, उनको तोड़िए नहीं. ठीक है, डोंट स्कैटर द पेपर्स. ठीक है, इतनी तेज़ी से मत बहिए कि जो हमारे पेपर्स हैं वो बह जाएं. ठीक है, स्कैटर मीन्स क्या होता है, इधर उधर बिखर जाएं, हमारे पेपर्स को इधर उधर मत बिखेरिए. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ. ठीक है, जो हमारी किताबें रख, शेल्फ मतलब क्या होता है, सेल्फ मतलब एक अलमारी होती है जहाँ पर किताबें रखी जाती हैं. ठीक है, याद रखिएगा इस वर्ड को. तो कह रहा है जो अलमारियों में जो किताबें रखी हुई हैं उनको नीचे मत गिराइए. देयर लुक वाट यू डिड. कह रहा देखो देखो तुम
तुमने क्या किया ए हवा, देखो तुमने क्या किया, यू थ्रो देम ऑल डाउन, तुमने इन सब चीज़ों को नीचे फेंक दिया है, ठीक है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, देखिए टोर, टोर मतलब क्या होता है, टोर मतलब टीयर, टीयर मतलब होता है फाड़ना, ठीक है, उसका सेकंड फॉर्म है टोर। कह रहा तुमने जो हमारी किताबें थी उनके जो पन्ने थे उनको फाड़ दिए। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुमने बारिश को फिर से बुला लिया, ठीक है। अब देखिए क्या क्या वो विंड से कह रहा है, कह रहा है कि विंड थोड़ा प्यार से बहो, ठीक है, हमारे खिड़कियों के दरवाजों को मत तोड़ो, पेपरों को जो हमारे कागज़ हैं उनको बिखेरो मत, ठीक है, और जो किताबें रखी हुई हैं अलमारी पे उनको नीचे मत गिराओ, देखो तुमने सबको नीचे गिरा दिया है, तुमने हमारे किताब के पन्नों को फाड़ दिया है और तुमने बारिश को वापस बुला लिया है। You are very clever at poking fun at weaklings. ये देखिए important line है बच्चों, You are very clever at poking fun at weaklings. अब देखिए दो word आए हुए हैं, पहला है poking, ठीक है, poking. अब देखिए poking मतलब क्या होता है, poking मतलब होता है making, ठीक है, making, ठीक है, और दूसरा मतलब fun मतलब मजाक, आप सब जानते हैं, ठीक है। So poking fun का मतलब होता है मजाक उड़ाना, याद रखिएगा, मजाक उड़ाना। वीकलिंग्स का मतलब होता है, वीकलिंग्स का मतलब होता है कमजोर लोग, राइट। सो कह रहा है कि कमजोर लोगों का मजाक मत उड़ाओ, ओके। सो हवा, कमजोर लोगों का मजाक उड़ाने में तुम बहुत चालाक हो, ठीक है, यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत दिमागदार हो, तुम कमजोर लोगों का मजाक मत उड़ाओ, कमजोर लोगों का मजाक उड़ाने में तुम बहुत तेज हो, ठीक है। आगे देखिए फ्रेल, फ्रेल मतलब क्या होता है, दुर्बल, मतलब यहाँ भी कमजोरी होता है, ये भी वीक का जो है सिनोनिम है, याद रखिएगा, ठीक है। फ्रेल, क्रम्बलिंग, क्रम्बल मतलब क्या होता है, क्रम्बल मतलब चूर चूर कर देना, ठीक है, चूर चूर कर देना मतलब इतनी बुरी तरह से उसको तबाह कर देना कि वो टुकड़ों में पिस जाए, ठीक है। तो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, कह रहा है कमजोर घरों को मत तोड़ो, ठीक है, क्रम्बलिंग डोर्स, तुम जो है दरवाजों को तोड़ देते हो, चूर चूर कर देते हो। क्रम्बलिंग रैप्टर्स, ठीक है, रैप्टर्स मीन्स क्या होता है बच्चों, रैप्टर मीन्स होता है बीम, जिस पे हमारा जो छत्ता होता है या हमारी जो छत होती है उस पर टिकी हुई होती है बीम, आप सब जानते होंगे ना, जो एक बीम होती है बनाई जाती है, ठीक है, गुंबद टाइप की, उसको रैप्टर्स कहते हैं, याद रखिएगा इस वर्ड को, याद रखिएगा, रैप्टर्स, जो बीम बनाई होती है छत के नीचे, मोटी मोटी बीम दी गई होती है उसको रैप्टर्स बोलते हैं। तो कह रहा तुम जो है घरों को नष्ट कर देते हो, ठीक है, कि कौन से घरों को, कमजोर घरों को, ठीक है, याद रखिएगा, कमजोर घरों को नष्ट कर देते हो, कमजोर दरवाजों को तोड़ देते हो, कमजोर जो बीम होते हैं उनको तोड़ देते हो। क्रम्बलिंग वुड, ठीक है, लकड़ियों को भाई तबाह कर देते हो आप। क्रम्बलिंग बॉडीज, शरीर को, जो दुर्बल शरीर होती है उनको भी नष्ट कर देते हो। क्रम्बलिंग लाइफ, जिंदगियां तबाह कर देते हो, ठीक है, आप जिंदगियां तबाह कर देते हो। क्रम्बलिंग हर्ट्स, और आप, ठीक है, लोगों के दिल को, हृदय को जो है समाप्त कर देते हो, तोड़ देते हो, बिखेर देते हो। अब देखिए यहाँ पर पोएट ने किससे रिलेट किया है, एक ऐसे इंसानों को बारे में बताया कि जो लोग होते हैं वो अक्सर गरीबों के, सॉरी, जो कमजोर लोग होते हैं उन्हीं के साथ लोग क्या करते हैं, मजाक करते हैं। कोई भी स्ट्रांग पर्सन से साथ छेड़खानी नहीं करता, तभी लोग किसके साथ करते हैं, जो थोड़ा सा वीक होता है, ठीक है, जो वीक होता है, फ्रेल होता है, ठीक है, उसी के साथ भाई इंसान क्या करता है, थोड़ा सा मजाक करता है या उसी के साथ छेड़खानी करता है, कोई भी स्ट्रांग के साथ छेड़खानी नहीं करता। तो यहाँ पर पोएट वही बताने की ट्राई कर रहा है, ओके। सो देखिए द विंड, अब देखिए नेक्स्ट लाइन में देखिए, पहला पैराग्राफ था, नेक्स्ट लाइन देखिए, द विंड गॉट विनोज, ठीक है, द विंड गॉट विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, ओके, द विंड गॉड। अब देखिए यहाँ पर विंड गॉड क्या है, विंड गॉड आप सब जानते हैं, ठीक है, कह रहा है हवा के वायु देवता, ठीक है, वायु देवता, विंड गॉड कौन है, वायु देवता। विनोज, अब देखिए विनो क्या है, वर्ब है, क्या भाई, वर्ब, ठीक है, विनो मतलब क्या होता है, कोई काम करना, काम कैसा करना, देखिए मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, आपको मालूम चलेगा विनो होता क्या है एक्चुअली। देखिए विनो ये है विनो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड विनो, आप इस फिगर को देखिए और आपको पूरा मीनिंग समझ में आ जाएगा। विनो मतलब होता है जब हम, ठीक है, धान से, ठीक है, जब हम, आपने देखा होगा खेतों वगैरह में क्या होता है कि भाई जो आपका, ये देखिए आपका इसका मीनिंग आपको यहाँ पे देखिए मिल जाएगी कि जो ग्रेन होता है, ठीक है, जो अनाज होता है उसको हम पीट पीट कर हवा, उस पर हवा डालते हैं। आपने देखा होगा धान वगैरह से या गेहूं वगैरह को शायद, है ना, जब ऐसे पंखा लगाया जाता है उसके सामने लेकर आया जाता है तो उससे जो उसमें गंदगियां होती हैं, ठीक है, या फिर जिसमें मोटे कण होते हैं, पार्टिकल्स, वो अलग हो जाते हैं और जो साफ साफ पार्ट जो होते हैं उसके ग्रेन्स, वो एक जगह पे आ जाते हैं हवा के माध्यम से, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं विनो, ठीक है, विनो कहते हैं। तो कैसे उसको किस तरह से अलग किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वही कहना चाह रहा है यहाँ पर पोएट कि भाई
जो विंड गॉड हैं, जो वायु देवता हैं, विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, वो जो जो कमज़ोर लोग होते हैं उनको क्रश कर देता है। मतलब जो वायु होती है, जो हवा होती है, वो कमज़ोरों को, कमज़ोर चीज़ों को तबाह कर देती है। ठीक है, विनो उनको अलग कर देती है। किससे अलग कर देती है भाई? जो जो थोड़ा सा मजबूत लोग होते हैं उनको, जैसे कि हमारा पार्टिकल होता है अनाज, उसको हम हवा के सामने लेकर आते हैं, तो उसमें जो कमज़ोर चीज़ें होती हैं वो अलग हो जाती हैं, मजबूत चीज़ें अलग हो जाती हैं, होती है ना। उसी तरह से कह रहा है, जब हवा चलती है तो जो कमज़ोर लोग होते हैं उनको तबाह कर देती है, कमज़ोर जो चीज़ें होती हैं उनको तबाह कर देता है, जबकि जो मजबूत चीज़ें होती हैं वो तबाह नहीं होती, वो उनके सामने डटकर खड़ी रहती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से कह रहा है कि भाई उसको विनो कर देती है, अलग कर देती है, और क्रश, क्रश मतलब होता है बर्बाद, तबाह कर देती है, ठीक है, पीस देती है। तो कमज़ोर लोगों के साथ ऐसा होता है। यहाँ पर सोसाइटी मैसेज दे रही, सोसाइटी भी ऐसा करती है, समाज भी ऐसा होता है। ठीक है, गरीब हो या फिर कोई परेशान हो या फिर कोई जो है कमज़ोर इंसान हो, तो उसके साथ ही हम समाज वाले जो है, सोसाइटी हमारी बुरा बर्ताव करती है, कभी भी मजबूत लोगों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करती। ठीक है, ये उसने विंड के माध्यम से, विंड जो है, विंड को मीडियम बनाया है, विंड को मीडियम बना के सोसाइटी के ऊपर अटैक किया है पोएट ने। बोला है कि सोसाइटी भी ऐसा ही करती है, ऑलराइट, ये जो है गरीबों या फिर कमज़ोरों के साथ ऐसा करती है, जबकि अमीरों के साथ या फिर जो स्ट्रांग पर्सन होते हैं, स्ट्रांग चीज़ें होती हैं, उनके सामने हिम्मत नहीं होती। ठीक है, तो ये गरीबों या फिर जो कमज़ोर लोग होते हैं उनके साथ ही ऐसा होता है। चलिए आगे देखिए। सो ही वोंट डू वाट यू टेल हिम, कह रहा है अगर आप उससे कुछ बताओगे तो आपकी बात को विश्वास नहीं करेगा। वो किसकी? यहाँ पर हवा के बारे में बात कर रहा है ना। कह रहा है कि कमज़ोर लोगों से कहता है पोएट कि अगर आप उसको कुछ रोकोगे तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रांग, तो चूँकि हम गरीब, चूँकि हम क्या हैं, कमज़ोर हैं, इसलिए हमारी बातें नहीं सुनेगा, इसीलिए आओ अब हमको स्ट्रांग बनना होगा। ठीक है, आ जाओ अब हम सब स्ट्रांग बनेंगे, अब हम सब स्ट्रांग घर बनाएंगे। स्ट्रांग घर बनाने का मतलब है, कह रहा है जो कमज़ोर लोग हैं, ठीक है, आ जाओ हम स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, हम एक साथ मिलकर एक स्ट्रांग सोसाइटी क्रिएट करेंगे, ताकि सोसाइटी हमारे साथ छेड़खानी ना कर पाए। लेट्स ज्वाइंट द डोर्स फॉर्मली, चलो हम दरवाजों को जो है कठोरता से, मजबूती से बंद कर देते हैं। ठीक है, मजबूती से जोड़ देते हैं। फॉर्मली मतलब क्या होता है? स्ट्रांगली होता है। फॉर्मली मतलब क्या होता है? स्ट्रांगली। कह रहा चलो मजबूती से हम दरवाजों को बंद कर दें, ताकि हवा इस पर कुछ बिगाड़ ना पाए। एक साथ जोड़ देते हैं हर दरवाजों को। मतलब क्या है? जो कमज़ोर लोग हैं, कहता है पोएट कि मजबूत हो जाओ, एकता कर लो। ठीक है, एक हो जाओ, हिम्मत ना पड़े सोसाइटी की कि अभी आप कुछ छेड़खानी कर पाए। कमज़ोर हो, अलग अलग होकर मत रहो, वरना हवा की तरह जो मजबूत लोग हैं वो आपके साथ छेड़खानी करेंगे। हमको एक होना पड़ेगा, हमको भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, ताकि कोई भी हमारा हमसे छेड़खानी ना कर पाए। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, ठीक है, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, कह रहा चलो हम शरीर को मजबूत करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, शरीर को मजबूत करते हैं और हम मजबूत होते हैं। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, चलो हम अपने दिल को मजबूत करते हैं। स्टेड फास्ट मतलब क्या होता है? चलो हम एक बिल्ड करते हैं, अपने अंदर ताकत, जज्बा जगाते हैं और हम भी स्ट्रांग हो गए, ताकि हमारे साथ कोई छिड़कानी ना कर सके। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, कह रहा चलो ऐसा करते हैं और जो विंड है, जो हवा है, वो भी हमारा दोस्त बन जाएगा। मतलब क्या है? कह रहा है सोसाइटी जो है, जो हमारे साथ अब तक छिड़कानी करती आ रही है, हम जब स्ट्रांग बन जाएंगे तो भी हमारी वो दोस्त बन जाएगी। जो सोसाइटी जो हमको छेड़खानी, हमको कमज़ोर जानकर हमसे छेड़खानी करती थी, हमारा मजाक उड़ाती थी, वो एक दिन जब हम स्ट्रांग हो जाएंगे तो वो भी हमारे साथ दोस्ती कर लेगी। इसी तरह से हवा जो है, जो जो कमज़ोर चीज़ें हैं उनको बर्बाद कर देती है, जब वो स्ट्रांग बन जाएगी तो उनके साथ छेड़खानी वो नहीं कर पाएगी और हमारे दोस्त बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, कह रहा है जो विंड होती है, जो हवा है, वो केवल कमज़ोर आग को बुझाती है। ठीक है, कमज़ोर आग को, ब्लो आउट मतलब होता है बुझाना, तो कह रहा है वो कमज़ोर आग को ही बुझा पाती है। ही मेक्स स्ट्रांग फायर्स रोर एंड फ्लरिस, जबकि जो मजबूत आग होती है, आपने देखा होगा जब हल्की आग, हल्की होती है, कोई छोटी मोटी फ्लेम होती है तो हवा से बुझ जाती है, जबकि कोई भारी आग जल रही होती है तो उसमें अगर हवा डालो तो वो और तेज़ जलना शुरू कर देती है। इसी तरह से कह रही है जो भाई मजबूत लोग होते हैं, स्ट्रांग लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग होते हैं, वो केवल कमज़ोरों के साथ ही छेड़खानी करते हैं, उनको ही परेशान करते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती कि किसी मजबूत के साथ छेड़खानी कर सकें। इसी तरह से जब हम स्ट्रांग हो जाएंगे तो उनकी हिम्मत हमारे साथ नहीं होगी, क्योंकि जो हवा होती है वो केवल कमज़ोर आग को ही बुझा पाती है, जो है मजबूत आग को नहीं बुझा पाती, बल्कि उसको और ज़्यादा तेज़ कर देती है। इसी तरह से अगर हम मजबूत हो जाएंगे तो हमारे साथ वो और अच्छे से दोस्ती करेंगे, हमसे डरेंगे, इसलिए हमको मजबूत होना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया है विंड के रूप में, है ना, कि विंड जो है वो कमज़ोर आग को ही बुझाती है और मजबूत आग को जो है और ज़्यादा ताकत दे देती है ना। ठीक है, फ्लरिस मतलब क्या होता है? फ्लरिस मतलब और तेज़ उसको उफान ले आना। ठीक है, मतलब और तेज़ उसको कर देना। ठीक है, फ्लरिस आप सब जानते होंगे। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है।
सो हिज फ्रेंडशिप इज गुड, कह रहा है उसकी दोस्ती अच्छी है, जो हवा है उसकी दोस्ती अच्छी है, किसी की सोसाइटी की भी दोस्ती अच्छी है, लेकिन कब, जब हम मजबूत होंगे, कमज़ोर होंगे तो उनकी दोस्ती अच्छी नहीं है, ठीक है, वे हमारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जब मजबूत होंगे तो उनकी दोस्ती अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, वी प्रेज हिम एवरी डे, हम हर दिन उसकी पूजा करते हैं, किसकी, हम हवा की पूजा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं हर दिन, है ना, सॉरी प्रेज मतलब तारीफ, हम उसकी हर दिन तारीफ करते हैं जब वो हमारे साथ दोस्त बन जाता है। तो ऐसा सिंपल सा भाई मैसेज क्या दिया उन्होंने कि हमें एक होकर रहना पड़ेगा, वी, ठीक है, वी मस्ट हैव अ यूनिटी, हमारे पास एकता होनी चाहिए, ठीक है, अगर हम एक होकर रहेंगे सो नो बडी विल डेयर टू टच अस, ठीक है, कोई भी हमको छूने की हिम्मत नहीं करेगा, सो यूनिटी मस्ट बी विद अस, ठीक है, हमारे साथ यूनिटी जरूर होनी चाहिए, यूनिटी मस्ट बी इन अस, हम में यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई, अगर आप चाहते हैं तो सोसाइटी का एग्जाम्पल दिया है कि भाई हर वक्त जो है कमज़ोर तबके को परेशान करता हुआ मजबूत तबका आ रहा है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एक हो जाना चाहिए ताकि हिम्मत ना हो किसी की कि वो हमारे साथ छिड़खानी कर सके, राइट। तो यही मैसेज दिया हुआ है किसने, पोएट ने अपने इस पोएम के थ्रू। आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आया और इसका मैसेज समझ में आया। मैसेज क्या है, इसका मोरल क्या है कि हमें एक होना चाहिए, हमें एक होकर स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। अगर हम कमज़ोर रहेंगे, बटे हुए रहेंगे, डिवाइडेड रहेंगे, तो कोई भी आकर हमारे साथ ऐसे ही हमको फ्लरिश कर, सॉरी हमको जो है क्रम्बल करता रहेगा, ठीक है, तब डिस्ट्रॉय करता रहेगा, लेकिन जिस दिन हम स्ट्रांग हो जाएंगे कोई भी हमारे साथ छिड़खानी नहीं कर पाएगा, इवन जो जो खुद ताकतवर होगा वो भी हमसे एक बार डरेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए देखते हैं इसके राइटर कौन है, सॉरी कंपोजर कौन है, पोएम के हमेशा कंपोजर होते हैं। सो द कंपोजर ऑफ द पोएम इज सुब्रमण्यम भारती, सुब्रमण्यम भारती, ठीक है, सुब्रमण्य भारती, ठीक है, थोड़ा सा तमिल नेम है, देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पर कि ये ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल, ये तमिल में लिखी हुई थी, इसको ए के रामुजम जो है उन्होंने, ठीक है, ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। ओके सो यहाँ पर देखिए जो है सुब्रमण्य भारती जो है भाई वो बहुत ही बड़े पोएट हैं, ठीक है, 1882 में पैदा हुए थे, 1921 में मर गए थे, तमिल के ये पोएट हैं, ठीक है, इनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। और देखिए बच्चों इसका जो क्वेश्चन आंसर है इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, वो आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। व्हाट आर द थिंग्स दैट विंड डज इन द फर्स्ट स्टांजा, कह रहा कौन सी चीज़ है जो स्टांजा पहले फर्स्ट स्टांजा में विंड करती है, पहले स्टांजा में क्या क्या बताया गया कि हवा क्या क्या करती है। हैव यू सीन एनीबॉडी, हैव यू सीन एनीबॉडी विनो ग्रेन, क्या आपने घर पे देखा है विनो करते हुए, आपने सबने देखा होगा, ठीक है, जो आपने देखा होगा हवा के माध्यम से जब ग्रेन्स को अलग किया जाता है, ठीक है, उसके पार्टिकल्स से, आपने देखा है क्या, अगर आपने देखा है तो आप लोग उसको अपने लैंग्वेज में बताइए क्या बोलते हैं, ठीक है, बताइए आप लोग क्या बोलते हैं। ओके सो कैसे, किस लैंग्वेज में क्या क्या आप जानते हैं उसके बारे में आप लिखिएगा, ठीक है। व्हाट डज द पोएट से, थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोज, ठीक है, किसको, जो विंड गॉड है, जो वायु देवता है, क्या विनो करने की बात करते हैं, किस चीज़ को अलग होने की बात करते हैं, ठीक है, किसको किससे अलग होने की बात करते हैं, मैंने आपको बताया, आप लिखिएगा। व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड, ठीक है, हवा से दोस्ती करने के लिए हमें क्या करना चाहिए भाई, है ना। फिर देखिए व्हाट डू द लास्ट फोर लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू, लास्ट फोर लाइन का मीनिंग क्या है आपके लिए पोएम का जो है। फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हाउ डज द पोएट स्पीक टू द विंड इन एंगर और विथ ह्यूमर, ठीक, कह रहा है गुस्से में बात करता है विंड से, जो पोएट है गुस्से में बात करता है या फिर ह्यूमर, ठीक है, मजाक में बात करता है। यू मस्ट आल्सो हैव सीन और हर्ड ऑफ द विंड, ठीक है, आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि जो हवा होती है क्रम्बलिंग लाइफ्स, वो जिंदगियाँ बर्बाद कर देती है, ठीक है। सो वाट इज़ योर रिस्पॉन्स टू दिस, तो इसमें आपका क्या रिस्पॉन्स है, आपका क्या उत्तर रहेगा, ठीक है, इट इज़ लाइक द पोएट्स, क्या सेम उत्तर है जो आपका पोएट का है या आप कुछ अलग है, उसको आप बताइएगा। द पोएम यू हैव जस्ट रीड इज ओरिजिनली इन द तमिल, कह रहा है जो पोएम आपने पढ़ी है वो वास्तव में तमिल में है। डू यू नो एनी सच पोएम्स इन योर लैंग्वेज, तो क्या आपको कोई पोएम पता है ऐसी लैंग्वेज में जिसके बारे में आपको पता हो, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कोटेशन दिया गया बच्चों, कोटेशन है, एक मैसेज भी है, मोरल भी है ये, ठीक है, कॉरी टेन बूम, तो आप लोग, मैं इसका नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद इसको मीनिंग को बताइएगा क्या होता है इसकी मीनिंग, ये आपका होमवर्क है, आप लोग कमेंट करिएगा। इस जो यहाँ पर दिया गया थर्ड थ्री लाइन में, ये बहुत अच्छी बात कही गई है, क्वोटेशन ही समझ लीजिए, इसका आप लोग मीनिंग बताइएगा मुझे लिख के हिंदी में, ठीक है, आप लोग मीनिंग बताइएगा उसे लिख के, ठीक है, आप लोग जैसे भी आप ट्रांसलेट करो या कैसे भी करो, डिक्शनरी का यूज़ करो, बट मुझे इसका आपको, ठीक है, आंसर चाहिए। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो आई नीड द आंसर।
सो स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट्स, हैविंग सम प्रॉब्लम. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, द सेशन एंड्स हियर. इफ यू हैव एनी क्वेरीज, फर्दर क्वेरीज, यू कैन आस्क मी एज यू यूजली डू ऑलवेज. सो दिस वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम एंड आई हैव एक्सप्लेन यू द एक्सरसाइजेस दैट यू हैव टू डू. So write your answers in a rough copy and send on a personal WhatsApp. And I see that most of you don't do this. So please do this, okay? You are all good students, and I personally believe that you guys are doing well. I think, but just show me that you guys are doing, okay? If you don't do this, makes us feel bad, okay? So just send your responses, okay? So send your responses as soon as possible, and tomorrow, as I said, I'll send you the word meaning and question answer and other exercises solution of chapter 1, which you will have to do in your fair copy, right? So that's all for today. Have a good day ahead. Thank you so much.